बढ़ते आगे अब चीतों का अपडेट आप लोगों को दे दें। चीतों का अपडेट आप सब भी जानना चाह रहे होंगे, तो श्योपुर से खबर मिल रही है कि कूनो में हेल्थ परीक्षण में सभी चीते स्वस्थ पाए गए। तो नामीबिया से एमपी लाए गए 8 चीते और चीतों की एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं डॉक्टर्स। तो 8 चीतों की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है और उसके बाद श्योपुर से ये खबर आ रही है, अपडेट मिल रही है कि कूनो में हेल्थ परीक्षण हुआ सभी 8 चीतों का। आपको बता दें कि 5 मादा और 3 नर चीते हैं, सभी का हेल्थ परीक्षण किया गया, सभी चीते स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो नामीबिया से इन चीतों को लाया गया था और चीतों की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, डॉक्टर्स उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए रखे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, ये एक अच्छी खबर है कि सभी चीते स्वस्थ हैं। देखिए, निश्चित रूप से और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र और राज्य सरकार का, और ये ऐसा मामला है जिसमें हम लोग सफल होते हैं तो दुनिया भर में फिर इसकी शुरुआत भी होगी। अलग अलग बाड़े में 6 कंपार्टमेंट में रह रहे हैं चीता, जो एक महीने तक यही रहने वाले हैं, लेकिन बीते यदि हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 8 बार उनका हेल्थ चेकअप किया गया, उसमें हमें वो स्वस्थ पाए गए हैं। साथ ही ये भी देखा गया कि जो पीने के लिए पानी रखा गया था उसको भी उन्होंने 3 से 4 बार पिया है। शाम होते होते भैंस का मांस उनको उपलब्ध कराया गया था, उसको भी कुछ चीतों ने खाया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब यदि कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, और सरकार का जो योजना है, परियोजना है, वो सक्सेस होते दिखाई दे रही है। नामीबिया और भारत के जो बड़े डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, वो लगातार उन पर निगाह बनाए हुए हैं, पल पल पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सभी के उसमें आईडी कलर लगा हुआ है। तो आधुनिक तरीके से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए उन पर ध्यान रखा जा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि जो वंश बढ़ाने की बात कही जा रही है, यदि जिस तरह से 48 घंटे की सूचना है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि हम सक्सेस होते नजर आएंगे, और देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल मनोज जी, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है, सभी चीते स्वस्थ, और एक ये अच्छा संकेत मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।